हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं रोमन नंबर्स की, यानी कि अपन ने नॉर्मल नंबर लिख लिए, इंग्लिश नंबर लिख लिए, आज अपन लिखते हैं रोमन नंबर, जिसको रोमन न्यूमरल्स भी कहा जाता है। तो वो कैसे होते हैं? इसमें वन को इस तरीके से लिखते हैं, टू को इस तरीके से, थ्री को ऐसे। यानी कि आई अगर वन है तो आई सिंगल टाइम, टू है आई डबल टाइप, थ्री है तो आई ट्रिपल टाइप। इसके बाद इसमें नंबर लिया जाता है फाइव। अगर फाइव में से वन लेस कर दिया जाता है या वन घटा दिया जाता है तो हो जाता है फोर। इनकी ये फाइव था, फाइव में से अपन ने वन लेफ्ट साइड में लगा दिया। लेफ्ट साइड में लगाने का मतलब होता है कि इसमें से लेस हो गया, तो ये हो गया फोर फाइव। फाइव के बाद में ये लगाते हैं, ये हो गया सिक्स, फिर ये हो गया सेवन, फिर ये हो गया एट। इनकी फाइव के अगर राइट साइड में कोई नंबर लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है एट, और लेफ्ट साइड में कोई नंबर लगा देते हैं तो वो हो जाता है सबट्रैक्ट। जैसे फाइव में लेफ्ट में लगाया तो हो गया फोर, और फाइव के राइट में लगाया तो हो गया सिक्स। तो सिक्स सेवन एट, और ये होता है अपना टेन। टेन को किससे डिनोट करते हैं? अक्स से। अगर अक्स में से वन कम कर दे, टेन में से वन कम कर दे तो हो गया नाइन। तो ये हो गई अपनी रोमन नंबर वन टू टेन। कहां तक की होगी? वन टू टेन। इसी तरीके से अगर टेन के बाद में ये सारी काउंटिंग लगाते जाए एज ए नॉर्मल काउंटिंग, जैसे वन टू थ्री फोर किए थे अपन ने, बिल्कुल उसी तरीके से अगर टेन के बाद में ये काउंटिंग लगाते जाए तो हो जाता है अपना इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन टेन और टेन, ये हो गया ट्वेंटी। यानी कि अपन ने क्या किया, अक्स 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 लिखे, यानी टेन टेन लिखे, और उसके बाद में वन टू थ्री फोर, ये एड हो गया। तो ये हो गया अपनी ट्वेंटी। तो ट्वेंटी लिखा और वापस से वही यही प्रोसेस, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन। ये था नाइन और ये था ट्वेंटी, तो ट्वेंटी नाइन और ये हो गया अपना थर्टी। ये हो गई काउंटिंग थर्टी तक। तो अब क्या करेंगे, थर्टी से बिल्कुल थर्टी वन थर्टी वन थर्टी टू थर्टी ये थर्टी ये थ्री ये थर्टी ये फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट हो गया। तो ये हो गया थर्टी नाइन। और अब फोर्टी के लिए क्या होता है, फोर्टी के लिए पहले अपन को देखना पड़ता है कि फिफ्टी का क्या होता है, क्योंकि जैसे वन टू थ्री लिखा, फिर अपन ने क्या लिखा फाइव लिखा, क्योंकि फोर का फाइव से पहले आता है। इसी तरीके से थर्टी भी, थर्टी तक तो अपन ने लिख लिए, लेकिन जो फिफ्टी है वो फाइव फिफ्टी में से फोर्टी है वो फिफ्टी में से टेन कम करने पड़ेंगे अपन को। तो फिफ्टी का होता है अपना एल, तो ये एल हो गया। अब टेन कम किससे करेंगे, टेन क्या होता है एक्स, तो ये हो गया टेन लेस हो गए, इसमें से कम हो गए या सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये हो गया अपना फोर्टी। तो फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी
एट 49 और ये हो गया अपना 50, एल में से 50, तो 50 तक हो गया, तो एल को अपन ने 50 लिख लिया, तो ये हो गया 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये 9 का है, तो ये हो गया 60, क्योंकि 8 कर दिया अपन ने, इसके राइट में लिखते क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, तो ये हो गया 60, तो ये हो गया 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, क्या कर रहा हूं, ये नंबर लेके बिल्कुल ये वाली लाइन रख रहा हूं मैं सबके साथ में, यानी कि ये नंबर लिया, ये लाइन लिख दी, ये नंबर लिया, ये लाइन लिख दी, ये नंबर लिया ऐसा लिख दिया, फिर ये नंबर लिया ये लिख दिया, ये नंबर लिया ये लिख दिया, ये नंबर लिया ये लिख दिया, तो ये हो गया 60, ये हो गया 9, ये हो गया 60 और ये हो गया 10 में से 70, कितना हो गया 70, तो ये हो गया 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 के बाद में क्या आएगा 80 क्या होता है, ये हो गया 80, क्योंकि कोई भी नंबर कितने टाइम आ सकता है एक साथ में रेगुलरली, 3 टाइम, आज सब ने कितने टाइम लिखा 3 टाइम, तो ये हो गया अपना 80, अब 81, तो ये 80, ये 1, ये 80, 2, 80, 3, 80, 4, 85, 86, 87, 88, 89, 18 को 9 के बाद में क्या आएगा 90, तो अपन 4 टाइम्स तो अक्स लिख नहीं सकते हैं, इसलिए अगला नंबर चेक करते हैं कि 89, 90 तो 100 का क्या होता है, 100 का होता है सी, क्या होता है 100 का सी, अगर सी 100 में से 10 अपन लेस कर दे बिल्कुल 50 में से जैसे 10 लेस किया था वैसे ही, तो अपना हो जाता है 90, क्या हो जाता है 90, तो ये हो गया 91, ये हो गया 92, ये 93, ये हो गया 94, ये हो गया 95 और ये हो गया 96, ये हो गया 97, 98, 99 और 100 का हो गया सी, बिल्कुल आगे बिल्कुल यही करना है, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा कहां तक चलता रहेगा यहां तक, यानी कि सी के बाद में अगर 99 लगाते हैं तो हो जाता है 199 और 200 का अभी मैं बता देता हूं आपको क्या होगा, तो ये हो गया 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110,
आएगा और अपना पहुंच जाएगा कहां तक, 199। ये हो गया 200, यानी 100 200 300। अब 400 का क्या होगा, क्योंकि रेगुलरली एक नंबर कितने टाइम आ सकता है, 3 टाइम, क्योंकि यहां पे 1 2 3 दिख रहा है, बिल्कुल 3 टाइम आया था, एक्स 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 दिख रहा है, 3 टाइम आया था, तो अभी सी भी अपना कितने टाइम आ सकता है, 3 टाइम। तो जो 500 होता है वो होता है डी, क्या होता है डी। अगर 500 में से 1 कम कर दें तो कितना हो गया 400, तो 500 600 700 800, क्योंकि डी का कितना है 500, तो सी का कितना है 100, तो 100 100 100 300, तो ये हो गया 800। अब 900, क्योंकि रेगुलरली तो कितने टाइम आ सकता है, 3 टाइम, तो 900 का अपन को पता नहीं है, और 1000 का पता है अपन को कितना होता है, एम होता है, तो अगर एम में से अपन 100 को लेस कर दे तो क्या हो जाता है 900। 1000 में से 100 कम कितने ही कितना हो गया 900, तो ये हो गया 900 800 900 1000, यानी ये हुआ 100 का, ये हुआ 200 का, ये 300 का, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, और ये हो गया 1000 या 1000, 1000 या 1000, और बाद में वापस से 1000, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता जाएगा अपना। तो ये हो गए अपने रोमन नंबर, ओके।